गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज लेक्चर 17 में हम लोग पढ़ेंगे वैराइटीज ऑफ आयरन। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। लेक्चर 17 में हम लोग पढ़ेंगे वैराइटीज ऑफ आयरन। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, आयरन को हेमाटाइट से कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट किए थे, और आज हम लोग पढ़ेंगे वैराइटीज ऑफ आयरन। वैराइटीज ऑफ आयरन में हम लोग यह देखेंगे, देयर आर थ्री कमर्शियल वैराइटीज ऑफ आयरन और दीज आर कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन। कास्ट आयरन, स्टील एंड रॉट आयरन। द वैराइटीज ऑफ आयरन डिपेंड्स अपॉन इट्स कार्बन कॉन्टेंट। कार्बन की मात्रा के आधार पर इसकी वेराइटीज को डिस्टिंग्विश किया गया है। कार्बन किसमें कम है, किसमें मीडियम है और किसमें ज्यादा है। थ्री वेराइटीज ऑफ आयरन जो है कार्बन की मात्रा के आधार पर है, और कार्बन की मात्रा के आधार पर इसका प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगा। जैसे कास्ट आयरन हम लोग पढ़ेंगे, तो कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, रॉट आयरन में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है, और स्टील में इन दोनों के बीच की स्थिति होती है। तो हम लोग देखेंगे, देयर आर थ्री कमर्शियल वैराइटीज ऑफ आयरन पुट इन डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेज। जैसे आयरन का वैरायटी चेंज हो जाता है तो उनका यूजेज भी चेंज हो जाता है। जहां पर कास्ट आयरन की आवश्यकता है वहां पर कास्ट आयरन का यूज हम करेंगे, जहां पर स्टील की आवश्यकता है वहां हम स्टील को यूज करेंगे। एंड द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज लाई इन देयर कार्बन कंटेंट। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ये डिफरेंसेज इनकी प्रॉपर्टीज में कार्बन की मात्रा के आधार पर होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कास्ट आयरन। फर्स्ट वेराइटी इज कास्ट आयरन, कास्ट आयरन, सेकेंड स्टील एंड थर्ड वन इज रॉट आयरन। कास्ट आयरन लिस्ट प्योर है, कास्ट आयरन इज लिस्ट प्योर। ये सबसे कम शुद्ध है, सबसे कम शुद्ध है, इसका मतलब इसमें इंप्योरिटीज सबसे ज्यादा है। कास्ट आयरन सबसे कम शुद्ध है, और कम शुद्ध का मतलब है कि इसमें इंप्योरिटी सबसे ज्यादा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कास्ट आयरन में इट इज लिस्ट प्योर एंड इट कॉन्टेन 1.5 to 4.5% ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। इस कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी रहती है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए आप ध्यान देंगे, इसके परसेंटेज को याद रखेंगे, कार्बन के परसेंटेज को याद रखेंगे। कास्ट आयरन कॉन्टेन 1.5 to 4.5% ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। अदर इंप्योरिटीज, आयरन में अदर इंप्योरिटीज क्या रह सकता है, क्या रह सकता है आयरन के अलावा, क्या रह सकता है इसमें बताइए, कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन एक्सेट्रा। दीज आर इंप्योरिटीज विच मे बी प्रेजेंट इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ आयरन। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे स्टील एंड थर्ड वन इज रॉट आयरन। रॉट आयरन में आप देखेंगे, रॉट आयरन इज प्यूरेस्ट फॉर्म। ऑलरेडी यू नो दैट व्हाट इज प्यूरेस्ट फॉर्म, इन विच इंप्योरिटीज आर मिनिमम, इंप्योरिटीज आर मिनिमम इन द रॉट आयरन। रॉट आयरन में इंप्योरिटीज सबसे कम है, इंप्योरिटीज सबसे कम है, दैट मीन्स कार्बन की मात्रा इसमें सबसे कम है, कार्बन की मात्रा सबसे कम है, और कार्बन की मात्रा कम होने के कारण, कार्बन की क्वांटिटी कम होने के कारण इसे प्यूरेस्ट फॉर्म में रखा गया है। एंड इट कॉन्टेन नॉट मोर देन 0.5% ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। रॉट आयरन में कार्बन का परसेंटेज 0.4 से कभी अधिक नहीं रहेगा। दैट मीन्स इट कॉन्टेन नॉट मोर देन 0.5% कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज। इस 0.5% कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज जो है इसको आप याद रखेंगे,
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर के लिए. एंड स्टील सेकेंड वेराइटीज ऑफ स्टील विच कम्स बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन. स्टील इज इंटरमीडिएट इट कम्स बिटवीन कास्ट आयरन एंड रॉट आयरन. तो जब कास्ट आयरन और रॉट आयरन के बीच में इसका पोजीशन है, दैट मीन्स कार्बन का परसेंटेज भी इन दोनों के बीच में रहेगा. कार्बन का परसेंटेज भी इन दोनों के बीच में रहेगा. और आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज इंटरमीडिएट, इट कंटेन्स 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन एंड अदर इंप्योरिटीज. 0.5% दैट मीन्स मोर देन रॉट आयरन एंड लेस देन कास्ट आयरन. स्टील कंटेन्स कार्बन मोर देन रॉट आयरन एंड लेस देन कास्ट आयरन. दैट मीन्स इट कॉन्टेन 0.5 to 1.5% ऑफ कार्बन एंड अदर इम्प्योरिटीज. तो हम लोगों ने देखा दीज आर थ्री कमर्शियल वेराइटीज ऑफ आयरन. दीज आर थ्री कमर्शियल वेराइटीज ऑफ आयरन. और इन तीनों आयरन को हम लोग अलग अलग प्लेस पे यूज करते हैं. कास्ट आयरन का यूज अलग है, स्टील का अलग है और रॉट आयरन का यूज अलग अलग है. अब हम लोग इसमें जो आयरन का एक्सट्रैक्शन हमने किया हेमाटाइट ओर से, तो वह आयरन हमको कास्ट आयरन के रूप में मिला है. कास्ट आयरन के रूप में मिला है और कास्ट आयरन से ही रॉट आयरन और स्टील हम बनाते हैं. स्टील जब भी हम बनाएंगे हमको कास्ट आयरन से रॉट आयरन के भाया के होके जाना ही पड़ेगा. कास्ट आयरन से पहले हम रॉट आयरन में जाएंगे और रॉट आयरन से फिर हम स्टील बनाएंगे उसको. और इसमें जो आपको पढ़ना है मेन टॉपिक, वो हम लोग स्टील में पढ़ेंगे. स्टील हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में. स्टील क्या है आपसे यदि हम पूछें कि स्टील क्या है, तो आपका आंसर अभी क्या होगा आप बताएंगे इसके आधार पर कि स्टील इज वैरायटी ऑफ आयरन. अभी आप यही बताएंगे. एलॉयज पढ़ने के पहले आप यही बताएंगे कि स्टील इज वैरायटी ऑफ आयरन. आपने सही कहा, स्टील आयरन का वैरायटी है, कमर्शियल वैरायटी. जब हम एलॉय पढ़ेंगे तो एलॉय की बात करेंगे. स्टील इज आल्सो एन एलॉय ऑफ आयरन एंड इट इज फेरस एलॉय, एग्जांपल ऑफ फेरस एलॉय. जस्ट स्टील खत्म करने के बाद हम लोग एलॉयज पढ़ेंगे. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टील जो कि एक आयरन का वैरायटी है और आयरन का एलॉय भी है, इसको हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है. स्टील को हम लोग कैसे बनाएंगे, व्हाट आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ स्टील. स्टील को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस. स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट प्रोसेस दैट इज बेसीमर प्रोसेस, द ओपन हर्थ प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस, एलडी प्रोसेस एंड सीमेंटेशन प्रोसेस. आपके सिलेबस के अनुसार ये दो प्रोसेस हम लोगों को पढ़ना है, दैट इज द बेसीमर प्रोसेस एंड ओपन हर्थ प्रोसेस. बेसीमर प्रोसेस एंड ओपन हर्थ प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे. क्या है बेसीमर प्रोसेस और क्या है ओपन हर्थ प्रोसेस. डिफरेंट वेराइटीज है स्टील को बनाने का. सीमेंटेशन प्रोसेस हम लोग कहाँ यूज करते हैं. सीमेंटेशन प्रोसेस इज यूज व्हेन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ स्टील इज मैन्युफैक्चर्ड. बहुत कम क्वांटिटी में जब स्टील को हमको बनाना रहता है तब हम सीमेंटेशन प्रोसेस का यूज करते हैं. बेसीमर प्रोसेस और ओपन हर्थ प्रोसेस ये दोनों मेनली हम लोग पढ़ेंगे. बेसीमर प्रोसेस क्या है और ओपन हर्थ प्रोसेस क्या है. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टील का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कैसे हम लोग स्टील को बनाएंगे हम लोग देखेंगे. यहाँ पर स्टील को हम लोग कैसे बनाएंगे. स्टील एलॉयज में भी आपको डिटेल में पढ़ना है. फेरस एलॉयज में स्टील आपको पढ़ना है. आप ध्यान से पढ़ेंगे स्टील. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि स्टील क्या है और इसे हम लोग कैसे बनाएंगे.
मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील। इसमें हम लोग फर्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, डेसिमल प्रोसेस। बेसिमर प्रोसेस, ये बेसिमर प्रोसेस क्या है स्टील को बनाने का, ये हम लोग देखेंगे। जैसा कि अभी आपको बताया गया है, अभी आपको जस्ट बताया गया है कि स्टील इज वैरायटी ऑफ आयरन, और हमने यह भी बताया है स्टील इज एन एलॉय ऑफ आयरन। आप देखेंगे ये कास्ट आयरन है, ये कास्ट आयरन है, और कास्ट आयरन जब भी हमें कास्ट आयरन मिलता है तो कास्ट आयरन में इंप्योरिटीज के रूप में अदर मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं, दैट मीन्स अदर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट एज ए इंप्योरिटीज इन द आयरन, कास्ट आयरन। Fe प्लस, C प्लस, Mn प्लस, फॉस्फोरस प्लस सिलिकॉन, ये कास्ट आयरन है। कास्ट आयरन हमको ये मिला, कास्ट आयरन। अब इस कास्ट आयरन से हमें स्टील बनाना है। कास्ट आयरन आपको पता है कि व्हेन एनी मेटल इज एक्सट्रैक्टेड इट इज नॉट 100% प्योर, इट कंटेन सम इंप्योरिटीज, एंड मेटल इज 98 और 99% प्योर, एंड 1 or 2% इंप्योरिटीज आर प्रेजेंट, एंड दीज ऑल आर इंप्योरिटीज विच मे बी प्रेजेंट इन आयरन, आयरन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इस आयरन के अलावा इसमें कितने सारे एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट हैं, दैट इज द कास्ट आयरन। एक साथ हम इसे बोलेंगे कास्ट आयरन, एंड वी हैव टू प्रिपेयर स्टील फ्रॉम दिस कास्ट आयरन। कास्ट आयरन से हमें स्टील बनाना है, कास्ट आयरन से हमें स्टील बनाना है, और ये स्टील हमको बनाना है बेसिमर प्रोसेस से। वी हैव टू मैन्युफैक्चर स्टील हेयर फ्रॉम बेसिमर प्रोसेस। बेसिमर प्रोसेस से हम यहाँ पर स्टील बनाएंगे। बेसिमर प्रोसेस से स्टील बनाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल है जिस पर ये तैयार होता है, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बेसिमर प्रोसेस में कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। देखेंगे आप यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये बेसिमर प्रोसेस में स्टील जो बनाएंगे वो किस सिद्धांत पर आधारित है। देखेंगे आप ऑल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन, इन द कास्ट आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिमूव्ड देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पाइजल इज एडेड। यही वो प्रिंसिपल है, यही वो सिद्धांत है जिसके आधार पर बेसिमर प्रोसेस से हम स्टील बनाते हैं, और इसको हमें ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से समझना होगा हमें स्टील कैसे बनाते हैं। स्टील देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको सिर्फ डिप्लोमा ही नहीं पास करना है, डिप्लोमा जब आप कर लेंगे, सिक्स सेमेस्टर आप पास कर लेंगे, डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, उसके बाद भी जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देंगे तो वहां पर भी आपको जनरल साइंस में
ये मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो फिजिक्स केमिस्ट्री को ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि सेकंड सेमेस्टर से प्रमोट हो गए तो फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेशन खत्म हो गया। नहीं खत्म होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा फिजिक्स केमिस्ट्री। जनरल साइंस में आपको क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, इसलिए फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बेस है, आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। देखेंगे, ऑल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन इज ऑक्सीडाइज एंड रिमूव्ड, देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पाइजर इज एडेड। आप समझेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कास्ट आयरन जो हमको मिला, इस आयरन के अलावे कार्बन है, मैग्नीज है, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन है। दैट मीन्स दीज ऑल आर इंप्योरिटीज, दीज ऑल आर इंप्योरिटीज विच आर प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन। आयरन के अलावा कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, आयरन के अलावा कार्बन, मैग्नीज, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, ये सभी इंप्योरिटीज है, ये सभी इंप्योरिटीज है। और आपका ये प्रिंसिपल क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ऑल इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन कास्ट आयरन इज ऑक्सीडाइज एंड रिमूव्ड, ये सभी इंप्योरिटीज जो कास्ट आयरन में प्रेजेंट हैं, हम लोग इनको क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइज दैट मींस दीज ऑल आर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड चेंज इनटू देयर रेस्पेक्टिव ऑक्साइड। जब ऑक्साइड बन जाता है तब हम उसको क्या करते हैं, निकाल देते हैं, रिमूव्ड, ऑक्सीडाइज एंड रिमूव्ड। ऑक्सीडाइज होकर ये सारे इंप्योरिटीज निकल गया, देन उसके बाद क्या करते हैं, देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी का मतलब है जितना रिक्वायरमेंट हमें है, रिक्वायर्ड क्वांटिटी। दैट मीन्स ये वेरी भी करेगा, ये वेरी भी करेगा। एक स्टील से आप ब्लेड भी बनाएंगे, एक स्टील से एक्स भी बनाएंगे, एक स्टील से पेपर पिन भी बनाएंगे, तो डिफरेंट वेराइटीज है स्टील का। तो यहाँ पर डिफरेंट वेराइटीज हमको स्पाइरल का यूज होगा, इसलिए लिखा गया है यहाँ पर, आपको बताया गया है, देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ स्पाइरल is added. What is spicel? Spicel is the mixture of carbon and manganese. आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ है spicel के बाद bracket में carbon plus manganese. तो spicel is the mixture of carbon and manganese. और spicel को हम क्यों add करते हैं? तो hardness बढ़ाने के लिए। आप जान लें, steel का hardness depend करेगा carbon content पर। The hardness of steel depends upon its carbon content. जितना कार्बन की मात्रा हम बढ़ाएंगे उतना इसका हार्डनेस बढ़ेगा। That means the hardness of steel is increased by increasing the quantity of carbon which is present in it. तो यहाँ पर हम लोग जितने भी impurities present है उनको oxidized करेंगे, ऑक्सीडाइज करने के बाद रिमूव करेंगे, हटा देंगे, और उसके बाद जैसे ही इंप्योरिटीज को हम हटाएंगे, कार्बन भी यहाँ से हट गया, और कार्बन हट गया तो क्या मिला, रॉट आयरन। रॉट आयरन विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, अभी आपने पढ़ा रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन एंड इट कॉन्टेन What is the percentage of carbon? Not more than 0.5%. 0.5% से ज्यादा कार्बन इसमें नहीं होना चाहिए। 0.5% से ज्यादा कार्बन या अदर इंप्योरिटीज नहीं होना चाहिए। That is the purest form. तो कास्ट आयरन से पहले हम रॉट आयरन में चेंज करते हैं। रॉट आयरन दैट मीन्स आयरन से, कास्ट आयरन से यदि इंप्योरिटीज रिमूव हो गया तो ऑटोमेटिक वो रॉट आयरन में चेंज हो जाएगा। और रॉट आयरन में चेंज हो गया दैट मीन्स इसके पास कार्बन नहीं है, तो रॉट आयरन इज वेरी वेरी सॉफ्ट एंड वी कांट यूज इन एनी इंडस्ट्रियल यूजेज एंड इन एनी इंजीनियरिंग वर्क्स। रॉट आयरन को हम कहीं यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इतना ज्यादा ये सॉफ्ट होता है। तो अब इस रॉट आयरन को हमें हार्ड बनाना है,
और इस रॉट आयरन को हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, स्पाइजल ऐड करते हैं। जैसे ही स्पाइजल ऐड करते हैं स्टील में चेंज हो जाता है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बेसीमर प्रोसेस, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ बेसीमर प्रोसेस जिससे हम स्टील बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में इस बेसीमर प्रोसेस को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बेसीमर प्रोसेस से स्टील बनाने के लिए बेसीमर कन्वर्टर का यूज हमको करना होगा, तो बेसीमर कन्वर्टर का कंस्ट्रक्शन भी हमको देखना होगा और उसका फंक्शन भी कैसे वर्क करता है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।